15 अगस्त से मुंबई अहमदाबाद रूट पर रफ्तार का दिखेगा जलवा। 160 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेंगी वंदे भारत, तेजस और शताब्दी ट्रेनें। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल टेक राजकुमार दास मोबाइल एंड रेल इन्फो चैनल। आप लोगों में काफी लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, पूरे वीडियो देखो और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ने मुंबई नागदा और मुंबई अहमदाबाद रूट पर बढ़ी हुई स्पीड वाली ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई है। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ जाने से मुंबई से अहमदाबाद के बीच अभी लगने वाले समय में 35 से 45 मिनट की बचत होगी। अभी वंदे भारत से 5.25 घंटे का समय लगता है। इस बार के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे भारत, शताब्दी, तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेनें नई रफ्तार से दौड़ेंगे। इन ट्रेनों की रफ्तार बढ़कर 160 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अभी इन ट्रेनों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा रहा है। रेलवे ने ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाए जाने की इजाज़त दे दी है। बढ़ी हुई रफ्तार के साथ ये प्रीमियम ट्रेनें पहले अहमदाबाद मुंबई रूट पर चलनी शुरू होंगी। इस रफ्तार से ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे परिचालन से जुड़े सभी कार्य पूरे कर लिए हैं। मिशन रफ्तार के तहत रेलवे मुंबई से दिल्ली के बीच ट्रेनों की स्पीड 130 से बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे करने की योजना पर भी काम कर रहा है। बढ़ी हुई स्पीड के साथ चलाने की इजाज़त मिली। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त से बढ़ी हुई स्पीड के साथ इन ट्रेनों का परिचालन करने की इजाज़त जोनल रेलवे को मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ने मुंबई नागदा और मुंबई अहमदाबाद रूट पर बढ़ी हुई स्पीड वाली ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई है। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ जाने से मुंबई से अहमदाबाद के बीच अभी लगने वाले समय में 35 से 45 मिनट की बचत होगी। अभी वंदे भारत से 5.25 घंटे का समय लगता है, जबकि मुंबई से अहमदाबाद की दूरी तय करने में अभी तेजस को 6.25 घंटे का समय लगता है, लेकिन 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलने पर 5.50 घंटे का समय लगेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बाद देशवासियों को इसके स्लीपर वर्जन का इंतजार बेसब्री से है। सीटिंग ट्रेनें तो पहले से ही चल रही हैं, हालांकि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कब से चलेगी इस बाबत जानकारी सामने नहीं आई है। सरकार ने यह जरूर कहा है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को ट्रायल अगले 2 महीनों में शुरू हो जाएगा। इस बीच रेल यात्रियों के बीच इस बात को लेकर कौतूहल है कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस रूट को मिलेगी। सूत्रों की माने तो दिल्ली मुंबई वंदे भारत स्लीपर का ट्रायल अगले महीने से शुरू हो जाएगा और ये देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।